focus is on cutting-edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Well, we are at Student Leadership Conclave and we have with us a well-known motivational speaker, Dr. Vivek Bindra. Sir, first of all, would like to know what about this conclave. Like, I have seen hundreds, thousands of students have come. What have you said? Thank you very much. 10 News ko dhanyavad humse milne ke liye. Student Leadership Conclave, basically, ye ek hamara CSR initiative hai. Hum corporate se, vyapariyon se charge karte hain, jisse hamari company ki jeevika banti hai. Aaj lagbhag 10 crore ka viewership hai hamare YouTube pe. We are most subscribed entrepreneurial YouTube channel in the world. Business ke andar, entrepreneurship ke andar, hum sabse bada kaam kar rahe hain aaj prithvi pe. अब स्टूडेंट हम सोचते हैं क्योंकि वो कमाता नहीं तो हम उससे चार्ज करें क्यों तो हमने सोचा देश का जो वी आर वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हमारे जो एवरेज एज है वो बहुत कम है वन ऑफ द मोस्ट यंगेस्ट कंट्रीज हमारे यहाँ एवरेज एज लगभग 24 साल है तो ये जो देश आगे चल के जो सबसे जो डिजिटल इकोनॉमी बिल्ड होने जा रही है आज लगभग 46 करोड़ लोग डिजिटल हो चुके हैं हमारे देश के अंदर जिनके ईमेल एड्रेसेस हैं सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं ये नंबर 2021 में 82 करोड़ होने जा रहा है तो ये 3 साल में डबल होने वाली है तो डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ते वक्त उस समय यहाँ पे अगर हम लोगों को लीडरशिप की वो विजडम दे सकें वो स्टूडेंट्स को दे सकें जो सबसे बड़ा ऑडियंस है हमारे देश का अगर वो इम्प्रूव हो जाए तो पूरा देश बदल सकता है तो ग्राउंड पे हमने इन बच्चों को आज 25,000 बच्चों के लिए हमने इवेंट किया इंदिरा गांधी स्टेडियम यहाँ पे इंडोर स्टेडियम है हम गर्मी का माहौल था तो एयर कंडीशन्ड एनवायरनमेंट में हम ये करना चाहते थे बच्चों को कठिन परिस्थितियों के अंदर इमोशंस के चलते वो बहुत दुखी परेशान डिप्रेस्ड एंग्जाइटी स्ट्रेस टेंशन बहुत तरह की ऐसी एक्सट्रीम फीलिंग्स हैं जिसके कारण बहुत तकलीफों से जूझते हैं अगर उनको बाउंस बैक करना सिखा दिया जाए अगर उनको डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल करना सिखा दिया जाए अगर उनको हर हार के अंदर हर एक डिफिकल्टी में अपॉर्चुनिटी ढूंढना सिखा दिया जाए अगर उनको हर एक डिफिकल्टी में पॉसिबिलिटी ढूंढना सिखा दिया जाए उनको वो ट्रेनिंग दे दी जाए तो ये यूथ हमारे देश को निश्चित रूप से बदल देगा सर मैंने काफ़ी कॉन्क्लेव अटेंड किया इस तरह का रिस्पांस मैंने कहीं नहीं देखा स्टूडेंट्स की तरफ से आप हमेशा फेलियर्स की बात करते हैं आपके अकॉर्डिंग फेलियर्स कितना जरूरी है एक किसी इंसान को मोटिवेट कर देखिए फेलियर आना ना आना मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि फेलियर को देख के आपका रिस्पॉन्स कैसा है फेलियर एक इवेंट है वो परिस्थिति है मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण परिस्थिति नहीं है मेरे ज़्यादा महत्वपूर्ण मनस्थिति है आपका जो रिस्पॉन्स है ना उस फेलियर में वो डिटर्मिन करेगा कि आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है प्रॉब्लम में प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम को हैंडल करने के तरीके को अगर ट्रेनिंग दे दिया आप देते रहो प्रॉब्लम आदमी बाउंस बैक पहली बार में वैसे भी कोई सफल नहीं हुआ आज तक तो कॉन्क्लेव की बात करें आने वाले फ्यूचर में आपके किन किन जगहों पर कॉन्क्लेव होने वाले हैं उसके बारे में देश भर में हम बाउंस बैक सीरीज नाम के इवेंट्स कर रहे हैं ये 3 से 4 घंटे का एक मोटिवेशनल सेमिनार होता है जिसमें हम 4 घंटे के अंदर वो टिप्स और वो स्ट्रैटेजीज और वो टूल्स देना चाहते हैं जिससे लोगों की पीक परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज हो सके ये बाउंस बैक सीरीज के इवेंट्स को आप vivekbindra.com पे लोग आ रहे हैं उसको लॉग ऑन कर रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं उसके बारे में जान रहे हैं हमारे बोर्ड लाइन नंबर पे फोन कर रहे हैं हर एक शहर में हम जा रहे हैं अब हम पहले केवल दिल्ली मुंबई में करते थे अब हमने सोचा कि छोटे छोटे शहरों में वहां जाना चाहिए जहां कोई नहीं जाना चाह रहा हम उसके पास जाना चाहते हैं जिसके पास कोई नहीं जाना चाहता अगर मैं बिहार के छोटे छोटे शहरों तक पहुंच जाऊं अगर मैं इनफैक्ट और ऐसी कई सारी स्टेट्स हैं जहां पे आज कोई बड़े सेलिब्रिटी स्पीकर्स नहीं जा रहे हैं अब मैं सोचा है कि वहां जाकर के इवेंट्स करें बाउंस बैक सीरीज के और देश को बाउंस बैक कराने के मिशन में हम लोगों को साथ जोड़ते चले जा रहे हैं आज इस 10 करोड़ के व्यूअरशिप में हम इस मैसेज को और फैलाना चाहते हैं ताकि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके उससे निकल सके अनलिमिटेड पोटेंशियल है लोगों के पास लेकिन ये छोटे छोटे ना एक लिमिटेशन के ढक्कन लगे हुए हैं थोड़ा सुनने में कठोर लगता है शब्द पर ये लिमिटेशन के जो ढक्कन है ना यही आदमी की सफलता को रोक देते हैं अगर वहाँ जाके हम उनको अंदर से इंस्पायर कर सकें उनके अंदर से वो आग जो आग है वो सीने में लगनी चाहिए वो सीने में आग को जला सकें तो आदमी इतिहास रच सकता है एक कॉन्क्लेव से हटके सवाल करूंगा आपसे आपके ऊपर IMA ने डेफेमेशन का केस किया था उसकी करंट अपडेट क्या है क्या बात है सर थैंक यू वेरी मच आज मैं डॉक्टर्स के विषय में बात नहीं करना चाहता था पर क्योंकि आपने पूछा तो मेरी जिम्मेदारी आपको उत्तर देना थैंक यू वेरी मच इस प्रश्न के लिए हम डॉक्टर्स के खिलाफ नहीं हैं कभी भी खिलाफ नहीं थे हम मैल प्रैक्टिस के खिलाफ थे आज भी हैं और आगे भी रहेंगे मैल प्रैक्टिस के खिलाफ पहले भी आवाज़ उठाई आज भी उठाएंगे आगे भी उठाएंगे मैल प्रैक्टिस देखिए मेरा आवाज़ था अफोर्डेबल हेल्थ केयर को लेकर अगर हेल्थ केयर अफोर्डेबल हो जाए तो वो डॉक्टर की इज्जत बढ़ेगी हॉस्पिटल की इज्जत बढ़ेगी पेशेंट का खर्चा कम लगेगा उसका समाज में नाम होगा सारे स्टेक होल्डर्स को फायदा होगा लेकिन यहाँ क्या है कई बार क्या होता है मैल प्रैक्टिस के चलते आदमी एक ही बारी में लूटने काटने की कोशिश करता है तो आज मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ
IMA से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई मैल प्रैक्टिस से है। डॉक्टर से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, मैल प्रैक्टिस से है। कोर्ट में केस गया था, इन्होंने देश भर में मेरे खिलाफ FIR किए। थैंक यू वेरी मच, आपने FIR किए, आप मुझसे नाराज हो गए। मैं क्षमा चाहता हूँ, आपको नाराज होने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मेरा मिशन और आपका मिशन एक ही है। अब हुआ क्या, कोर्ट में केस गया, जज साहब ने आउटराइटली पूरे केस को रिजेक्ट कर दिया। जज साहब ने कहा केस बनता ही नहीं है। सारे केस हम लोग वन साइडेड तरीके से जीत गए, सारे केस खत्म हो गए, हम वन साइडेड जीत हुई है हमारी। क्या है वन साइडेड जीत, क्यों हुई है वन साइडेड जीत? क्योंकि हमने किसी व्यक्ति को डिफेम तो किया नहीं ना, मैल प्रैक्टिस के खिलाफ है। आप डेमोक्रेसी को तो नहीं खत्म कर सकते ना, आप लोकतंत्र का हनन, उसकी हत्या तो नहीं कर सकते ना। डेमोक्रेसी का पर्पस क्या है? डेमोक्रेसी इंस्पायर कर रहा है आपको, मुझको और सबको, कि समाज में गलत बातों के खिलाफ आवाज उठाई जाए। डेमोक्रेसी का मतलब क्या, यही तो मतलब है ना। अगर आप आवाज उठवानी बंद करा दो लोगों की, किसी को गलत चीज के बारे में बात ही ना करे, तो फिर तो डेमोक्रेटिक कंट्री रही नहीं हमारी। इस डेमोक्रेसी के चलते आप समझिए, मैंने किसी इंडिविजुअल डॉक्टर के खिलाफ, किसी हॉस्पिटल के खिलाफ नहीं बोला, मैल प्रैक्टिस के खिलाफ बोला। इनफैक्ट अच्छे डॉक्टर्स की मैंने तारीफ करी है, कहीं अच्छे डॉक्टर्स की। जज साहब ने 18 पेज की रिपोर्ट बनाई, 16 पेज की रिपोर्ट, और 16 पेज की रिपोर्ट जो जज साहब ने बनाई, मैं पढ़ के हैरान हो गया, हमारी बुद्धि चकरा गई। जज साहब ने डिटेल में लिखा है, मैंने 50 बार जज बोलते मैंने वीडियो देखा, एक बार भी कहीं डिफेमेटरी नहीं मिला। दूसरा पॉइंट, जज साहब कहते हैं कि रावण वो भी तो स्कॉलर था, वो भी तो विद्वान था, वो भी तो पंडित था, लेकिन ये रावण डिसाइड नहीं करेगा कि उसका प्रोफेशन नोबल है कि नहीं है, जनता डिसाइड करेगी। आप कितनी पढ़ाई कर लें, कितने ही विद्वान हो जाएं, ये आप डिसाइड नहीं करेंगे कि आप नोबल है कि नहीं है, ये जनता डिसाइड करेगी कि आप नोबल है कि नहीं है। बहरहाल छोटा सा मेरा मैसेज ये कि डॉक्टर साहब, अगर आपको, अगर आप ईमानदार हैं तो आपको मेरी बात का बुरा मानने की जरूरत नहीं है, और अगर आप, अगर आप ईमानदार हैं आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं, और अगर आप बेईमान हैं तो आपको बुरा मानने का अधिकार नहीं। ठीक बात है कि नहीं? एक सवाल और पूछना चाहूंगा, IMA से रिलेटेड है, NMC बिल के बारे में काफी चर्चा हुई, तो आपका टेक क्या है एज अ डॉक्टर विवेक? देखिए, आज मेरा एक ही टेक है, मैं प्रिंसिपल पे रहना चाहता हूं। मेरा प्रिंसिपल क्या है, अगर वैल्यूज ठीक हो गई तो बिहेवियर ठीक हो जाएगा। वैल्यूज क्या होनी चाहिए? अफोर्डेबल हेल्थ केयर और स्केलेबल मॉडल बिल्ड करना आना चाहिए बिजनेस का। डॉक्टर्स जो है ना, वो बहुत टेक्निकली साउंड है, बहुत मेहनती हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है, उनको अपने मेडिकल स्किल्स आते हैं, लेकिन उनको बिजनेस स्किल्स का कमी है, जिसके चक्कर में वो अपने खर्चे को जब निकालने की कोशिश करते हैं तो गलती कर जाते हैं। स्केलेबल मॉडल किसने बिल्ड किया? पद्मश्री डॉक्टर देवी शेट्टी ने बिल्ड किया। स्केलेबल मॉडल किसने बिल्ड किया? गोविंदप्पा वेंकट स्वामी, $2,000 के ऑपरेशन को $20 पे ले आए, फिर भी प्रॉफिट में। इमेजिन करिए, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ₹1,00,000 की दवाई को ₹1,000 महीने पे लेके आए, फिर भी प्रॉफिट में। ये क्यों हो रहा है? ये मॉडल की स्केलेबिलिटी पे हो रहा है। बात बड़ी सिंपल है साहब, अगर वैल्यूएबल्स के पीछे जाओगे तो ना वैल्यूएबल मिलेंगे ना वैल्यूज मिलेगी, वैल्यूज के पीछे जाओगे तो वैल्यूज तो रहेंगी, वैल्यूएबल्स अपने आप आ जाएंगे। मेरा केवल आज हमारे एक, आपको 10 न्यूज के माध्यम से व्यूअर्स को बताना चाहता हूं, जब से डॉक्टर की केस स्टडी बनाई है तब से सबसे ज्यादा डॉक्टर आ रहे हैं हमारे लीडरशिप फनल प्रोग्राम में। जब से डॉक्टर के ऊपर केस स्टडी बनाई है, देश भर से डॉक्टर आ रहे हैं हमारे लीडरशिप फनल को, प्रोग्राम को अटेंड करने के। वो जानना चाहते हैं भी ऐसा विवेक बिंद्रा बोलता क्या है। तो अगर ईमानदार लोगों को समस्या नहीं है, मैं किसी एक एक बिल, NMC बिल या किसी और बिल के एक एक इंडिविजुअल डिटेल में जाने की जगह प्रिंसिपल को पकड़ना चाहता हूं। अफोर्डेबल हेल्थ केयर में कमाई ज्यादा है। आपको लगता है अफोर्डेबल हेल्थ केयर में कमाई कम है? नहीं सर, अफोर्डेबल हेल्थ केयर में आपकी कमाई सबसे ज्यादा होगी, पेशेंट को फायदा भी सबसे ज्यादा होगा। पहले सवाल यही होगा कि 10 न्यूज़ एक यूथ ओरिएंटेड चैनल है, यूट्यूब पे आप भी जानकारी होगी, तो उनके, हमारे फैंस जो यूट्यूब पे 10 न्यूज़ के हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच 10 न्यूज़, बेबाकी के साथ निडर होके अच्छी खबर को हमेशा दिखाता बताता रहता है। 10 न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए, 10 न्यूज़ के पास वापस आके 10 न्यूज़ की वीडियोज़ को देखने के लिए, प्रेम पूर्वक 10 न्यूज़ के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।